महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बाइक फिसलने की वजह से 11 साल के बच्चे की बेस्ट की बस के पहिए के नीचे आ जाने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई है। घटना कांदेवली पश्चिम एक्सप्रेस हाईवे पर साईधाम बस स्टॉप के पास हुई है। आपको बता दें, ये घटना मंगलवार की शाम करीब 5:30 बजे के आसपास हुई है। जिस बच्चे की मौत हुई है उसका नाम सलमान खान, उम्र 11 वर्ष है, जो अपने पिता असलम खान के साथ KIIM अस्पताल किसी बीमारी का इलाज कराकर अपने घर नाला सुपारा वापस लौट रहा था। और उसी वक्त बारिश भी हो रही थी और उसी वक्त वहां से एक बेस्ट की बस अस्पताल की ड्यूटी पर थी और दिन की शिफ्ट खत्म करके JJ अस्पताल से गोराई डिपो जा रही थी। उसी दौरान असलम खान की बाइक स्लिप हो गई और ये रोड पर गिर पड़े। हालांकि बस चालक ने ब्रेक लगाकर बस को रोकना चाहा, मगर इसके बावजूद 11 साल का बच्चा सलमान खान इस बस की चपेट में आने की वजह से घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे के पिता असलम खान मजदूरी करते हैं और उनके बेटे सलमान खान की किसी बीमारी का KIIM अस्पताल में इलाज चल रहा था, मगर बस की चपेट में आने की वजह से सलमान की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने लापरवाही बरतने के आरोप में बस चालक नरेंद्र कुमार केदार 57 वर्षीय पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।